नमस्कार दोस्तों, थम्स किचन में आपका स्वागत है। आज थम्स किचन में सहजन के साग की एक बहुत ही अच्छी रेसिपी बना रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई गर्म कर लेंगे। अब एक कटोरी मूंग की दाल को हल्का फ्राई करेंगे। इसे बिना तेल में ही फ्राई करेंगे। इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करना है। इसे लगभग 2 से 3 मिनट चलाते हुए फ्राई करेंगे। ये देखिए, दाल हल्का फ्राई हो चुका है, सुनहरा लाल हो चुका है। अब इसमें 1 कप पानी डालेंगे और इसे धोकर इस पानी को फेंक देंगे। ये देखिए, दाल साफ हो गया है। अब इसमें 2 से 3 कप पानी मिलाएंगे, स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे और 1 कटा हुआ टमाटर मिलाएंगे। अब 10 से 15 मिनट इसे उबलने को रख देंगे। दूसरी ओर मैंने सहजन के पत्ते को चुनकर साफ कर लिया है। सहजन के साग को बनाने के कुछ देर पहले ही धोएं, इससे इसका स्वाद कड़वा नहीं होता। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने साग को अच्छी तरह धो लिया है। अब इधर जो दाल रखा था, ये भी पूरी तरह पक चुका है। अब सहजन के साग को इसमें मिलाएंगे। अब इसे दाल में अच्छी तरह मिलाएंगे और इसे ढककर 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, साग पूरी तरह पक चुका है। ये देखिए, दाल और साग पूरी तरह पक चुका है। अब इसे एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई को हल्का धोकर 2 चम्मच के लगभग तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरह गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच कटे हुए लहसुन मिलाएंगे, 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च मिलाएंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें 1 कटोरी कटे हुए प्याज मिलाएंगे और इसे 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। ये देखिए, प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें उबले हुए साग और दाल को मिक्स कर इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2 से 3 मिनट पक जाने पर इसे चावल या रोटी के साथ परोसें।